नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने को लेकर यातायात पुलिस काफी गंभीर है। उसकी तरफ से प्रतिदिन वाहन की चेकिंग कर लोगों को यातायात के नियमों के बताने का क्रम चल रहा है। इसी क्रम में बुधवार को यातायात प्रभारी प्रवीण यादव ने पुलिस कर्मियों बालकृष्ण मौर्य, संतोष शुक्ला, कमलेश तिवारी, विकास यादव के साथ विश्वेश्वरगंज, रौजा, लंका के साथ गाजीपुर वाराणसी मार्ग पर भुटहिया टाड़ के पास वाहन चेकिंग की। इस दौरान 3 सवारी बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के साथ ही मास्क न लगाने वाले पर कार्रवाई की। लोगों से यातायात नियमों का पालन करने के साथ ही कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क और जीवन की सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाने की अपील की। यातायात प्रभारी प्रवीण यादव ने बताया कि चेकिंग के दौरान विभिन्न अनियमितताओं में 100 वाहनों का चालान किया गया। बिना मास्क और हेलमेट में 5,000 सम्मन शुल्क जमा कराया गया। कांग्रेस पार्टी के कोऑर्डिनेटर एवं प्रदेश प्रवक्ता अहमद शमशाद के नेतृत्व में क्षेत्र में खराब सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर बुधवार को पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा उसिया, ताजपुर कुर्रा, दिलदारनगर भदौरा मार्ग, मौजपुर, फरीदपुर, रक्सहा आदि गांव होते हुए उपजिलाधिकारी सेवराई कार्यालय पहुंची और मांग पत्र देने के बाद समापन किया गया। इस मौके पर शमशाद अहमद ने कहा कि जमानिया विधानसभा में दर्जनों सड़कों की हालत मरम्मत के अभाव बद से बदतर हो गई है। हर कदम बड़े बड़े गड्ढे में तब्दील हो गई है। इससे आवागमन करने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। प्रदेश की सरकार सड़कों की मरम्मत को लेकर उदासीन है। पदयात्रा में मानवाधिकार अध्यक्ष सेवराई शकील खान, मोहम्मद खुर्शीद खान, महासचिव युवा कांग्रेस, ब्लॉक अध्यक्ष यूसुफ खान आदि शामिल थे। नक्सर थाना क्षेत्र के नूरपुर में ब्राह्मण परिवार पर पुलिसिया जुल्म के मामले में बुधवार को जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष विनीत तिवारी ने जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह से मुलाकात की। उन्हें मुख्यमंत्री को संबोधित 4 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि ब्राह्मण परिवार पर दर्ज सभी मुकदमे खारिज किए जाएं, प्रशासनिक जांच सार्वजनिक की जाए, देश के वीर जवानों का सम्मान प्रशासन संतुति पत्र देकर करे और देश के भविष्य छात्रों पर दर्ज मुकदमे भी वापस हों। कहा कि मुकदमा दर्ज होने की वजह से आज भी पीड़ित परिवार कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं। जिन्हें सीमा पर होना चाहिए वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पत्रक देने के दौरान दीपक उपाध्याय, पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष पीजी कॉलेज, गिरीश पांडे, पीड़ित परिवार से दीपेश पांडे, अविनाश पांडे, विशाल पांडे, निर्भय पांडे आदि मौजूद थे। दिलदारनगर क्षेत्र के विभिन्न गांव में बुधवार को विजिलेंस टीम ने बिजली चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बकाए का 1.5 लाख जमा कराने के साथ ही बकाए जमा न करने पर 10 लोगों का कनेक्शन काटने और बिजली चोरी करने पर 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराया गया। मालूम हो कि दिलदारनगर क्षेत्र के विभिन्न गांव में बिजली चोरी सहित ज्यादातर बिजली के बकायेदारों के अलावा अवैध रूप से बिजली जलाए जाने की शिकायत विभाग के उच्चाधिकारियों को मिल रही थी। इस पर विभागीय उच्चाधिकारियों के निर्देश पर विजिलेंस टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग में विजिलेंस टीम के जेई पंकज चौहान, इंस्पेक्टर AK सिंह, बिजली विभाग के XCN जमानिया महेंद्र मिश्रा, SDO दिलदारनगर सत्यनारायण चौरसिया, दिलदारनगर JE तापस कुमार, अनिल शिव आदि शामिल रहे। कचहरी निवासी कुंवर वीरेंद्र सिंह द्वारा लगातार समाज सेवा का कार्य करते हुए परेशान लोगों की मदद का क्रम जारी है। इसी कड़ी में उनकी नजर मंगलवार को कचहरी के पास सड़क किनारे पटरी पर बैठी एक अज्ञात वृद्ध महिला पर पड़ी। वे उसके पास पहुंचे और पूछा कि माता जी आपका नाम क्या है। कहा कि रहने वाली है, लेकिन महिला मंद बुद्धि की लग रही थी और उसका भाषा बंगला लग रहा था, इसलिए उसकी भाषा श्री सिंह समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने महिला को खाने पीने का सामान देने के बाद इसकी जानकारी वृद्धाश्रम संचालिका ज्योत्सना सिंह, गोरा बाजार चौकी प्रभारी अनुराग गोस्वामी और राजकुमार सिंह को दी। कुछ ही देर में ज्योत्सना सिंह के साथ ही महिला पुलिस कर्मियों को भेजने के बाद चौकी प्रभारी भी वहां पहुंच गए। इनके सहयोग से महिला को वृद्धाश्रम ले जाया गया। कुंवर वीरेंद्र सिंह के इस नेक कार्य की लोगों ने सराहना की। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।